नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को उस प्रतिवेदन पर गौर करने का निर्देश दिया जिसमें कोविड 19 के कारण विदेश में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने का अनुरोध किया गया है। राजद में मचे घमासान के बीच तेज प्रताप यादव इस वक्त दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी फोटो में तेज प्रताप दोस्तों संग काफी खुश नजर आ रहे हैं। फोटो में तेज प्रताप यादव एक मॉल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल जून में 18.5% रहेगी। SBI रिसर्च की रिपोर्ट इको रैप में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि यह भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल जून तिमाही के 21.4% की वृद्धि दर के अनुमान से कम है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूं। मेरे भैया ने 1970 में ही कह दिया था, चुनाव केवल मेरी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान क्षेत्र की भारत की प्रमुख प्राइवेट कंपनी स्काईमेट ने 13 अप्रैल 2021 को साल 2021 के लिए मॉनसून पूर्वानुमान जारी किया था और अब स्काईमेट एजेंसी ने एक बार फिर पूर्वानुमान को अपडेट किया है। स्काईमेट के मुताबिक सामान्य से 60% नीचे बारिश होने की संभावना जताई गई है। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा खुलासा किया है जिसके तहत उन्होंने आज एक बार फिर से खुलासा किया कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 25 से 30 लाख रुपए दो बैग में भरकर ले गए हैं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जांच करवाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन मंगलवार को सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खुद ग्रहण करने पहुंची। आदर पूर्वक उन्होंने इसे ग्रहण किया। इस दौरान वो ग्रंथ साहिब को सिर माथे रखकर नंगे पांव चलते नजर आए। सीतारमन ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ ही घोषणा कर दी है जिसके तहत प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम बढ़ा रही मोदी सरकार ने बिहार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कई सड़कों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ ही इसकी घोषणा की जिसके तहत प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम बढ़ा रही मोदी सरकार ने बिहार को लेकर यह फैसला लिया है। जातीय जनगणना को लेकर रामप्रीत पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में फिलहाल जातीय जनगणना की जरूरत है। इंग्लैंड के कप्तान रूट ने भारतीय की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि टीम का गेंदबाजी आक्रमण शानदार है। रूट बोले कि उनके पास शानदार आक्रमण है और मैं ये बात कहता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो कुछ बहुत ही शानदार गेंदबाजी आक्रमण है, इनमें से कई को इंग्लिश कंडीशन रास आते हैं और वो इस तरह की स्थिति में तालमेल बिठाने और इसका फायदा उठाने में पूरी तरह से सक्षम है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र के भीतर मंगलवार को 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि अपराहन 12:35 पर इस भूकंप को दर्ज किया गया है। इसका केंद्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 296 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप का केंद्र चेन्नई से 320 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। भारतीय डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितम्बर 2021 है। भारतीय सेना ने पहली बार कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स रेजिमेंट की महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक प्रदान की है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिए जाने के आदेश के अनुरूप किया गया है। पहली बार सिग्नल कोर, EMI और इंजीनियरिंग कोर की 5 सैन्य महिला अधिकारियों को सिलेक्शन बोर्ड के जरिए टाइम स्केल कर्नल रैंक प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों की ये बातचीत करीब 45 मिनट चली। इस दौरान अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर बातचीत की गई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति पर विचार से बातचीत की है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया है। नॉर्दर्न रेलवे के GM आशुतोष गोयल ने बताया है कि 18 अगस्त से अभी तक कुल 368 ट्रेन किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित हुई जिसमें 215 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। इस वजह से यात्रियों को भी बेहद परेशानी हो रही है। पंजाब सरकार को किसानों से इस बाबत बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सरफराज नवाज का कहना है कि रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत के पक्ष में बोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
भारत ने मंगलवार को दुशांबे के 78 लोगों को वापस लाए हैं, जिनमें 25 भारतीय नागरिक तथा कई अफगान सिख और हिंदू शामिल हैं। एक दिन पहले उन्हें भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान से काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया था। आने वाले 7 दिनों में 4 दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित कोई जरूरी काम है तो उसे आप निपटा लें, वरना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आरबीआई ने अगस्त 2021 के लिए बैंक छुट्टियों की जो सूची जारी की थी उसके मुताबिक इस महीने में कुल 15 छुट्टियां थी। केरल हाईकोर्ट ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतराल की वजह के बाबत केंद्र से मंगलवार को सवाल किया है और कहा है कि यदि यह प्रभाव को लेकर के है तो इसका वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध कराया जाए। अगली सुनवाई 26 अगस्त को की जाएगी। भारत का मिशन सागर जारी हो गया है। भारतीय नौसेना का लैंडिंग शिप टैंक INS एरावत 10 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर लेकर इंडोनेशिया के जकार्ता में तंजुंग प्रियक पोर्ट पहुंच चुका है। इंडोनेशिया सरकार की तरफ से अनुमानित आवश्यकता के आधार पर INS एरावत ने 10 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर डिलीवर किए हैं। भारत से UAE जाने वाले यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही वो लोग भी इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे जो पिछले 2 हफ्ते से भारत में हैं। अब आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर CVV नंबर के साथ साथ 16 डिजिट का अपने कार्ड का नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके बिना डाले आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। बता दें RBI कस्टमर को फ्रॉड से बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे या कुछ दिनों में 3 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर मंगलवार और गुरुवार के बीच सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि कोविड रोधी टीकाकरण के लिए स्लॉट अब व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कराया जा सकता है। मंडाविया ने कहा है कि इसको लेकर व्हाट्सएप पर MyGOV इंडिया कोरोना हेल्प डेस्क पर बुक स्लॉट भेजना होगा और इसके बाद जरूरी चरणों का अनुसरण करना होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के तहत यहां 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों को समर्थन देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ गठजोड़ किया है। इस भागीदारी के तहत स्टार्टअप के लिए माइक्रोसॉफ्ट का कार्यक्रम भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम नव भारत के नवोन्मेषन की वृद्धि की रफ्तार अग्निमिशन देने के लिए नजदीकी में काम करेगा। माकपा नेता सीताराम येचुरी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। येचुरी ने कार्टून शेयर किया है और लिखा, हमारे भारत को बेचना बंद करो मोदी जी। वहीं प्रियंका ने कहा है कि आत्मनिर्भर का जुमला देते देते पूरी सरकार को ही अरबपति मित्रों पर निर्भर कर दिया। सीताराम येचुरी द्वारा ट्वीट किए गए कार्टून में लिखा है कि नया भारत बिकाऊ है। रिलायंस का मकसद ई कॉमर्स स्पेस में नंबर एक खिलाड़ी बनना है। वर्तमान में रिलायंस ऑनलाइन किराया रिटेल के लिए जियो मार्ट और मोबाइल एप्लीकेशन ऐप माई जियो की सुविधा देता है। कंपनी का मकसद वन स्टॉप सुपर ऐप तैयार करना है, जिसमें इन हाउस तकनीक और थर्ड पार्टी के जरिए बहुत सी सेवाएं और ऑफर मिलेंगे। ऐप के अंतिम स्वरूप पर काम किया जा रहा है और जैसे ही सरकार ई कॉमर्स नीति पर स्पष्टता की घोषणा करेगी ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को कम किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो बहुत जल्द कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के समय को 12 हफ्ते से घटाकर 8 हफ्ते किया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामाशीष पाल, मालती देवी, नुनू कुमार, तानिया शाह, रवि कुमार, नरुद्दीन खान, रिया वर्मा, अमित कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद इसराफिल रहमानी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को कम किया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।